नमस्कार, दिनभर की पांच बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। समता पार्टी के संस्थापक और देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज सुबह निधन हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस पिछले कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। वो 88 साल के थे। दिल्ली में उन्होंने सुबह 7 बजे अपनी आखिरी सांसें ली। फर्नांडिस अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वे अटल सरकार में अक्टूबर 2001 से मई 2004 तक रक्षा मंत्री रहे। आखिरी बार वो अगस्त 2009 से जुलाई 2010 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। फर्नांडिस सबसे पहले साल 1967 में लोकसभा सांसद चुने गए थे। रक्षा मंत्री के अलावा उन्होंने कम्युनिकेशन इंडस्ट्री और रेलवे मंत्रालयों की भी कमान संभाली है। उनके निधन से पूरा देश शोक में है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि अयोध्या में विवादित स्थल पर हिंदू पक्षकारों को जो जमीन दी गई है उसे राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने के साथ साथ गैर विवादित जमीन को भारत सरकार को सौंप दिया जाए। अयोध्या मामले में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने अयोध्या में विवादित जमीन छोड़कर बाकी जमीन को लौटाने और इस पर जारी यथास्थिति हटाने की मांग की है। सरकार ने अपनी अर्जी में 67 एकड़ जमीन में से कुछ हिस्सा सौंपने की मांग की है। दरअसल 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण करने का काम किया था। साथ ही पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल तमाम याचिकाओं को खत्म भी कर दिया गया था। इसके बाद सरकार के इस एक्ट से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी जजमेंट में 1994 में तमाम दावेदारी वाले सूट को बहाल करने का काम किया और जमीन केंद्र सरकार के पास ही रखने को कहा। वहीं दूसरी ओर सरकार के इस कदम से हिंदूवादी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सरकार के इस कदम का VHP और हिंदूवादी संगठनों ने स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 आम चुनाव से पहले ही जनता से बड़ा चुनावी वादा कर डाला है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने अपनी बनने वाली सरकार की प्राथमिकताएं बतानी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि 2019 में बनने वाली कांग्रेस सरकार मिनिमम इनकम गारंटी लागू करेगी। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी 2019 में सरकार बनाने का सिर्फ सपना देख रहे हैं जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। इसी तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार में नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और फिर से वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये सपना वो कुछ भी दिखा दें, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी। सूत्रों की माने तो 1 फरवरी को पेश होने वाले अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में खुद मोदी सरकार ऐसी योजना का ऐलान कर सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम नाम से लागू होने वाली इस योजना के जरिए सरकार देश के गरीबों को एक तय रकम देने पर विचार कर रही है। इससे पहले UPA के शासनकाल के दौरान ही सरकार को ऐसी योजना लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था जिसे सरकार ने नहीं माना था। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना दोनों अभी भी गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के ही तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। शिवसेना गठबंधन में खुद की भूमिका एक बड़े भाई वाली बता रही है, तो वहीं BJP कह रही है कि वो गठबंधन के लिए अभी भी बेचैन नहीं है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो BJP के साथ सीटों का बराबर बंटवारा नहीं करेगी। कल शिवसेना सांसदों की बैठक में ये फैसला लिया गया कि BJP के साथ गठबंधन में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। हालांकि शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए BJP के साथ गठबंधन का फैसला पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि BJP शिवसेना से गठबंधन तो चाहती है, लेकिन इसके लिए वो बेचैन नहीं है। लाचार नहीं है, हो आम्हाला युती हवी आहे, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, केवळ या देशाच्या कल्याणाकरता हवी आहे। हिंदुत्ववादी एकत्रित राहिले पाहिजे म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो आहोत। चोरांच्या हाती सत्ता जाऊ नये,
ज्यांनी या देशाला लुटण्याचं काम केलं त्यांच्या हाती सत्ता जाऊ नये, ज्यांची डोकी हॅक झाली आहेत त्यांच्या हाती सत्ता जाऊ नये, जे पाकिस्तान धर्जण्यांना सोबत घेऊन काम करतात त्यांच्या हाती सत्ता जाऊ नये। म्हणून या ठिकाणी आम्ही युतीचा प्रयत्न करतोय, पण कोणाला जर असं वाटत असेल भारतीय जनता पक्ष लाचार आहे, अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदीचा पक्ष आहे, हा पक्ष कधी लाचार होऊ शकत नाही। अरे आम्ही शून्यातनं जग उभं करणारे लोक आहोत, आमचे दोन निवडून आले लोक। और आखिर में बात आम चुनाव की। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 28 फरवरी के बाद कोई भी सरकारी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लोकसभा और चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर प्रशासनिक तैयारी और तबादला प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए राज्यों को 28 फरवरी तक का समय दिया है, यानी 28 फरवरी के बाद किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा। चिट्ठी में आयोग ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि जो अधिकारी अपने जिले में तैनात हैं और जो एक ही क्षेत्र में 3 साल से ज्यादा रह चुका है उनका दूसरे इलाके में ट्रांसफर किया जाए। आपको बता दें कि साल 2014 में आयोग ने 5 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नव भारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।